दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं हर्ष गोयल, आपका बहुत स्वागत को आज के एक नए फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों इन दिनों आप सभी बहुत ही रिक्वायरमेंट कर थोड़ी सारी की वैरायटीज देखना चाहते हो, क्योंकि ऑफकोर्स अभी थोड़ी सीजन आ रही है, मतलब शादियों की सीजन आ रही है, तो आप सभी भी साड़ियों के बिजनेस में मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पे सूरत में आ गए गोपी मार्केट में। दोस्तों आज मैं यहाँ पे आई हूँ माँ सरस्वती साड़ीज में, और दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ है राम भाई। राम भाई कैसे हो आप? बढ़िया। तो राम भाई पहले तो आपके जो फोरम के बारे में मुझे कुछ बताएं, मतलब कितने सालों से और किस किस तरह से आप काम करते हो सर यहाँ पे? सर मेरा ये फर्म है 5.5 साल हो गया अभी कंप्लीट होने जा रहे हैं। राइट सर। साड़ी और लहंगे का काम है मेरा। साड़ीज और लहंगे? लहंगे का। तो सर मतलब आप मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हो या फिर होलसेल में सेल करते हो, मतलब किस टाइप का रहता है सर? मेरा मैन्युफैक्चर है और टोटल होलसेल बेचता हूँ। जो बेचने वाले कस्टमर है उनको देता हूँ। नो रिटेल। नो रिटेल मतलब रिटेल में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा? रिटेल में कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो सर जैसे आज मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मतलब जैसे आज मुझे क्या वैरायटीज आप दिखाएंगे, क्या कलर? मैं अभी आपको सस्ते से मेरे प्रिंट की जो मेरी वैरायटी है मेरे पास, जो टोटल आइटम दिखाऊंगा मैं आपको। तो सर अभी क्या होता है, जैसे मार्केट में कई लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, घर से मेरी माताएं बहनें होती, उन लोगों के कई सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कितने का परचेस करना, कहाँ से कहाँ तक की रेंज कलेक्ट करनी, तो सर उसके लिए कुछ गाइडलाइंस मुझे मेरे व्यूअर्स को दे दीजिए सर। देखो सर, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आज का जमाना ऐसा है कि लेडीजें घर से ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है बिजनेस करने का। मैं सबको माता बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि एक बार सूरत आओ, ज़्यादा रकम लगाने की जरूरत नहीं है कि लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करें, दुकान ले, शॉप लेके करें, वो करें, वो चीज़ दिक्कत नहीं है। एक बार घर से स्टार्ट करो, मिनिमम 15,000 से स्टार्ट करो आप। राइट सर। 15,000 का माल लेके जो उसमें 10,000 का बिकेगा और रिपीट 10 दिन में वापस आओ, यानी और 10,000 का फ्री माइंड से और 10,000 का उसमें डालो और बिक रहे धीरे धीरे धीरे। मतलब टेक्सटाइल बिजनेस में रोटेशन करना होता है आपके? रोटेशन करना होता है, मेन चीज है रोटेशन करना। जुना मतलब एक जैसे माल के जैसे अभी जो डिजाइन ली, 10 दिन के बाद और डिजाइन मंगा लो, जैसे आपकी डिजाइन नहीं हो जाएगी, यानी कि लोगों को भी यहाँ पे वैरायटी नहीं हो जाएगी। सही है। उसमें आपको कस्टमर भी आएंगे तो ये चीज नहीं बोलेंगे कि ये माल पहले वाला ही है, 5,000 का अपने पास पड़ा है और 10,000 का और डाल दिया, तो उसमें नई पुरानी दोनों डिजाइने मिक्स हो गई, तो कस्टमर को नॉलेज रहेगा कि यार हर सप्ते नई नई डिजाइने आ रही है, तो सर मतलब जैसे रोटेशन अच्छा घूमेगा। ट्रांसपोर्ट के भी कई सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कई बार घूम जाता है माल या फिर कुछ अभी देख रहे थे मार्केट में सूरत में कई बार चेंज हो जाता है माल, तो सर आपके यहाँ पे सिक्योरिटी रहेगी सर? सर मेरे यहाँ पे आप जो पीस लेओगे, जो आइटम आपने देखा है वो एक्यूरेट पीस आएगा। पहली बात तो यह कि आप बाई हैंड लेके जाओ चाहे ट्रांसपोर्ट में डालो। राइट। ट्रांसपोर्ट में जब तक आपको माल नहीं मिलेगा वो जिम्मेदारी हमारी, आपका नहीं है माल, आप पैसा देके गए तो ये चीज़ नहीं है कि आप आपका माल हो गया, वो सही कहीं गुम हो गया तो आपका माल गुम हुआ है, आपका नहीं, वो माल हमारा है। राइट सर। मतलब घर तक जब हमने तक पैसा आपके हाथ में नहीं पहुंचेगा, आपके हाथ में आपके हाथ में नहीं रहे मिलेगा तब तक माल हमारा है, हमारी गारंटी है वो। आपसे हम पैसा लेके ऐसा नहीं है कि माल अब क्या कुछ भी हो जाए, गम जाओ कुछ भी हो, कस्टमर का सही है, कस्टमर का नहीं है, वो माल हमारा है। और सर जैसे कोई यहाँ पे आता है, ठीक है, माँ सरस्वती साड़ीज में, तो क्या क्या मतलब उससे सर्विसेज मिलेगी, जैसे कई बार होता है डैमेज पीस का, कई बार जैसे नहीं सेल हो रहा या फिर कुछ सपोर्ट होते, जो एक्स्ट्रा सपोर्ट होते, कई लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए? देखिए सर, मेरे यहाँ सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसमें मेरे यहाँ रहेगी, जो आपने मान लो 20,000 का माल लिया या 50,000 का माल लिया, उसमें आपको कोई भी आइटम डिजाइन या रेंज की वजह से आपके एरिया में नहीं चल रहा, आपको यहाँ पे पसंद आया, आगे कस्टमर नहीं पकड़ रहे हैं, वो चीज़ तो मेरे यहाँ पे 6 मंथ तक फुल गारंटी रहेगी, उसके बदले में आप नया माल लेके जा सकते हो। राइट सर। और ऑल ओवर स्टेट का सर मतलब कलेक्शन मिल जाएगा? ऑल ओवर स्टेट मेरा 100 रुपीज़ से स्टार्ट होगी प्राइस, मिनिमम कम से कम 100 रुपीज़ विथ ब्लाउज, ब्लाउज भी साथ में आएगा इसमें। तो सर इसका कट कितना आएगा सर यहाँ? 36 कट आएगा ब्लाउज के साथ, पर आएगा 135। और सर ये कौन सा मटेरियल रहेगा यहाँ पे सर? शिफॉन। ये भी शिफॉन आएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लाउज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह का ब्लाउज आने वाला है, 175 वेटलेस कपड़ा विद ब्लाउज, 36 कट आएगा पूरा। तो सर मिनिमम इतने इसके कितने पीस? 4 कलर आएगा, 1 डिजाइन 4 कलर, कम से कम आपको 15 डिजाइन रेडी मिलेगा एनी टाइम। राइट सर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो भी आपको मैं प्रिंटेड साड़ी दिखा रहा हूँ, बस यहाँ पे प्राइस सेम रहेगी, यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन आती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन चेंज होती रहती है इन सभी में, मतलब मटेरियल तो सर सेम ही रहेगा? मटेरियल सेम रहेगा, मटेरियल सेम रहेगा। ये आएगा फिर पैडिंग वेटलेस हैवी, जो पैडिंग बोल के आता है। राइट सर, पैडिंग में आने वाला है 210 रेंज आएगी इसकी, 210 आएगी। तो सर 210 रुपये जैसे आगे जाकर कितने में बेचना से? ये 280-290 तक, क्योंकि ये प्रिंट आइटम है, ये चना मुमरा आइटम है, इसमें ज्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा आपको। राइट, मार्जिन रखना है वर्क में रखो, क्योंकि प्रिंट आइटम है इसमें ज्यादा कस्टमर, क्योंकि 300 रुपए की साड़ी ये लेंगे तो आज लेस लगी हुई लेस पट्टी के साथ में भी 300 रुपए में आ रही है हल्के कपड़े में। राइट सर। तो कस्टमर की थिंकिंग क्या रहती है,
कि 290 रुपये में ये साड़ी ले रहे हैं, 300 रुपये में ले रहे हैं, इससे बजाय लेस पट्टी के साथ लें, सही है, अच्छा रहेगा। यानी कि बस मटेरियल का चेंजेस होता सर यहाँ पे, बस मटेरियल का चेंज। मटेरियल में कस्टमर समझते नहीं कि क्या मटेरियल है क्या नहीं है, वो लोग यही देखते हैं ये 300 में आ रही है, ये बगैर बॉर्डर आ रही है 290-280 रुपए में, सही, वो लोग डिजाइन ही देखते, डिजाइन देखते हैं खाली, अंदर का काम नहीं देखते, काम नहीं देखते, क्या चीज है, कपड़ा क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, कपड़े की वैल्यू कोई नहीं समझता आजकल। सही है सर, आपकी बात डेफिनेटली सही है। दोस्तों आपको यहाँ पे कपड़े में ही ध्यान देना होता है, क्वालिटी मेन चीज है, मेन चीज है, डिजाइन मत देखो, कपड़ा देखो, कपड़ा क्या दे रहा है अपने को, राइट, व्यापारी कपड़ा क्या दे रहे हैं। सही, बहुत ही खूबसूरत प्रिंट आ रही है, और दोस्तों मटेरियल की क्वालिटी भी बेस्ट आने वाली है यहाँ पे सर। ये मतलब कौन सा मटेरियल, कुछ अलग टर्की आने वाला, साउथ सिल्क जो बोल के आता है, अच्छा कपड़ा आता है, इसमें डिजाइन है बहुत, काफी मिलेगी आपको, राइट सर, कम से कम 15-20 डिजाइन मिलेगी। सही है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन, मुझे भी पसंद आ गई, ऐसी कुछ डिजाइन आने वाली है। तो सर यहाँ पे मतलब ऑल ओवर स्टेट का कलेक्शन मिल जाएगा ना सर, ऑल ओवर स्टेट। दोस्तों यहाँ पे आपको लाइट कलर मिल रहा है, डस्टी कलर मिल रहा है, लाइट है, डार्क है, सब आएगा कलर, चार वन डिजाइन 4 कलर आएगा इसमें, राइट सर। सर इसकी क्या प्राइस रहेगी अप्रोक्सीमेट? 210 आएगी, ठीक है। फिर आएगा एक लेस पट्टी के साथ, ये मेरा रेगुलर आइटम है, 195। अब जो कस्टमर ये सोच रहे हैं कि बगैर लेस पट्टी के साथ ये चीज आ रही है, लेकिन इसमें मेटेरियल में चेंज आएगा, राइट सर, 195 लेस पट्टी के साथ। तो सर मतलब यहाँ पे मटेरियल चेंज आना, यानी कि मतलब ये मटेरियल चेंज कर देगा, डिजाइन सेम रहेगी, डिजाइन सेम रहेगी, मटेरियल चेंज हो जाएगा, राइट सर, इसमें क्या रहेगा, मटेरियल पूरा चेंज हो जाएगा। सही बात है सर, मैंने ये मार्केट में भी देखा कई बार, वर्क जो साड़ी जो होती है मतलब कहीं पे 200 में मिलती है, कहीं 150 में मिलते है, तो ये बात आपकी सही है, वहाँ पे कुछ काम कम किया हो सकता है, या फिर उसका बॉर्डर कम कर दिया हो, बॉर्डर कम कर देते हैं, मटेरियल चेंज कर देते हैं, डिजाइन सेम रख देंगे, उसमें मटेरियल पूरा लो डाल देंगे, जैसे रेनियल है, हेवी दाणी है, कस्टमर को पता नहीं है रेनियल और दाणी में, मैं गारंटी लेता हूँ कस्टमर को कुछ नॉलेज नहीं है, मैं आज दाणी और रेनियल का दोनों सैंपल सामने डाल दूंगा, कस्टमर ये बोलेगा ये रेनियल है, उसको पता नहीं ये सूरत में दाणी कितने प्रकार की बनती है, राइट सर, सही बात है, 10 प्रकार की दाणी बनती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सर साफ साफ बता रहे सारी सारी इन्फॉर्मेशन। तो सर आपके हिसाब से यहाँ पे देखे तो लोगों को यहाँ पे आने के बाद ही परचेज करना चाहिए? देखो मैं तो यही बोलता हूँ कस्टमर को, मेरे व्यूज जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको भी ये चीज बोलूंगा कि एक बार सूरत आओ, जो रियल है क्या सूरत के अंदर वो चीज देखो, सही है। सूरत में ऐसे व्यापारी भी बहुत बैठे हैं जो दिखाते हाथी है डालते घोड़ा है, सही है, हम उधार देंगे, 90 दिन के 2 डीलिंग केस करो, थर्ड टाइम उधार देंगे, कोई सूरत में व्यापारी ऐसा नहीं है एक रुपए का उधार दे दे, कोई व्यापारी नहीं देगा, माइकल लाल है तो मेरे को दिलाओ, मैं देता हूँ 10 बार केस करता हूँ, 11वीं बार मेरे को उधार दिलाओ थे, सही है। तो सर, वो चीज तो मतलब से जो यहाँ पे सूरत में कई वीडियोस बनते हैं उधार के, तो गलत सब, सब फेंक वीडियो है, सब फेंक वीडियो है, कोई भी वीडियो सही नहीं है, सही है, उधार का नाम लेते हैं, एक बार उनको बुलाया आपसे, एक बार उनसे खरीदी कर लिया 50,000 का, फिर उनका भाव नेचर देखना क्या रहेगा। तो सर यहाँ पे व्यूअर्स को भी ये जानना चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए, मेरे ख्याल किसी के लालच में नहीं आना चाहिए, मैं यही बोल रहा हूँ, 40 में दिखाते ये उधार देते, कई बार लालच में आ जाते व्यूअर्स, ये उनकी भी गलती हुई सर 40 में। आज व्यूअर्स को ये पता नहीं है क्या कि 40 में रुमाल नहीं मिलती आज, तो ये 6 मीटर साड़ी कैसे मिलेगी, सही है वो भी। अब लोग कुछ सर क्या करते हैं, ये आइटम दिखाते हैं 250 में, आज ये विचित्रा कपड़ा है, खाली इसका कपड़ा मेटेरियल लाने जाएंगे तो 250 का मेटल मिलेगा, सही है। वर्क भी है, स्टिच भी है, लेस लगाने का। तो सर मतलब जैसे यहाँ से पैसे ले लिए, उसके बाद पार्सल में क्या भरेंगे, क्या होगा, तो वही चीज में सर बोल रहा हूँ ना, दिखाते हैं हाथी है, आएगा घोड़ा, सही है। अब फर्क देख लो, हाथी कितना बड़ा है, दिखाया हाथी है, राइट, आएगा घोड़ा। तो सर आपने आज जो मुझे साफ बात कर दी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे आपने वैरायटीज की, अलग अलग वैरायटी, जैसे आपने बताया दाणी में अलग अलग वैरायटीज बनती है, 10-15 वैरायटीज बनती है, तो ये क्या लोगों को नहीं मालूम होता सर, जैसे कस्टमर को पता ही नहीं है, कस्टमर यहाँ आते हैं या फोन पे ऑर्डर दे देते हैं कि ये ठीक है चलो ये ठीक है, यहाँ पे भी आते हैं तो कस्टमर को दिखाते हैं वेटलेस, फिर रेनियल डाल देते हैं पीछे से, राइट, कस्टमर को पता नहीं है, वो तो यही सोचेंगे कि ये ठीक है यही देखा था, अरे डिजाइन सेम है, कपड़ा देखो आप, सही है। तो दोस्तों भरे के कपड़े एक में बार सूरत आए, यहाँ पे सर से मिली, क्योंकि सर को बहुत सारा नॉलेज है यहाँ पे, मतलब इनमें आपको इस बिजनेस में कितने साल हुए? 5.5 साल। 5.5 साल, लेकिन आपका एक्सपीरियंस मतलब 50 साल जितना है सर यहाँ पे। देखो मैं बचपन से यहाँ ही आया था, छोटा था तब, लेकिन ये साड़ी का मेरा खुद का बिजनेस किया हुआ 5.5 साल हो गया। पहले मैंने नौकरी भी की है, सब कुछ किया है सूरत के अंदर, संचा मशीन भी चलाई है मैंने, जहाँ कपड़ा कच्चा बनता है ग्रे, वहाँ
वहाँ पे मैंने संचार मशीन में भी काम किया है। राइट सर, यानी कि सुपरवाइजरी भी की है मैंने, यानी कि आपको जो नॉलेज है मतलब बहुत अच्छा खासा नॉलेज मिल गया, क्योंकि ये जो आपने अभी बताया कि इतनी 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 वेराइटीज आती, ये कई लोगों को मार्केट में जो बैठे उन लोगों को भी नहीं मालूम होता। सूरत के 40% व्यापारी को पता नहीं है कि दाणी क्या बन रही है, सही है, कितने प्रकार की बन रही है, कितने प्रकार की बनी वो भी नहीं मालूम है। तो दोस्तों यहाँ पे आइए सर से बात की, सर आपसे डायरेक्ट बात होगी, मेरे जो आपको कॉन्टेक्ट नंबर, डायरेक्ट मेरी मेरे से बात होगी, जो कॉन्टेक्ट है जो स्क्रीन पे जो नंबर आएंगे वो मेरे रहेंगे, यहाँ मैं ही मिलूंगा। राइट सर, सेल्समैन भी मैं ही हूँ, ओनर भी मैं ही हूँ। राइट सर, और नंबर भी मेरे ही रहेंगे, यानी कि आप मेरे यहाँ करते हो सब कुछ? जी मैं खुद हैंडल करूंगा, मेरे यहाँ ना तो दलाल की एंट्री है ना और है। राइट सर, सूरत में ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है कि ऑटो होटल और रोड पे जो दलाल, राइट सर, उनसे खास तौर बच के रहे व्यापारी। मैं एक ही सजेशन दे रहा हूँ, उनसे खास तौर बच के रहे, 10-10% लेते हैं, 10-10%। राइट सर, आज आप रेलवे स्टेशन से उतर के होटल में जाओगे, होटल वाले की भी सेटिंग है मैनेजर से, वो बोलेगा हमारा खुद का शॉप है, यहाँ से ऑटो आएगा और वो होगी, कोई नहीं है, वो 10% के दलाल है सब। देख रहे हैं मतलब ये युग है, मतलब कोई आपको फ्री में तो आपको हेल्प करेगा, फ्री में कोई नहीं करेगा हेल्प, मतलब आपको क्यों उसके मतलब झांसे में आना है, कोई आपको लेके जाए वहाँ पे जाना, कई बार कई बोल देते कि वहाँ पे बहुत बड़ी मिल से ये है, आपको हम मतलब दिखा रहे हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट जाइए जहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा, 10% भी बहुत बड़े होते हैं सर यहाँ पे, अगर 1 लाख का माल लिया तो वहाँ पे 10,000 तो चले जाएंगे, 10,000 चले जाएंगे, तो वो आपको नुकसान है उसको बेनिफिट है। राइट सर, वो मतलब थोड़े ध्यान में रखने वाली बात हो गई सर, ये सारी की सारी बहुत बड़ी ध्यान में रखने वाली बात है। सूरत है। में चीटिंग वो लोग ही करवाते हैं जो दलाल और होटल वाले हैं, वही लोग सबसे ज्यादा चीटिंग करवाते हैं। सही है सर, दुकानदार कोई नहीं करता है, दुकानदार कोई नहीं करता, और दुकानदार मतलब नहीं करेगा, लेकिन वो दलाल होटल वाले बोलेंगे तभी दुकानदार करेगा, बोलेंगे मेरे हाथ में आया हुआ है नहीं मैं कल कस्टमर नहीं लेके आऊंगा। सही है, वो लोग क्या करते हैं, दुकान वाले को लालच रहता है कि यार कल नहीं आएगा। सही है, मतलब सभी को आपका तो एक बार काम होना है। राइट सर, दलाल और होटल और ऑटो वाले से तो बार बार काम करना है यहाँ पे। सही है, डेफिनेटली सर, सही बात आपकी, डेफिनेटली सही है। तो सर अभी थोड़ी और प्रोडक्ट तरफ चलते हैं। जी मेरा वर्क आइटम है, बहुत ही खूबसूरत वैरायटीज है सर। वर्क में आपकी कहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी? 250 से स्टार्ट हो जाएगा। 250 से। तो सर आपके हिसाब से जैसे कोई वर्क का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कितना मार्जिन के साथ इसमें आगे बढ़ना चाहिए? वर्क के अंदर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि 60-70% मार्जिन रखो, कस्टमर को कोई नॉलेज नहीं है रिटेल को अंदर, मिनिमम होना चाहिए, क्यों यहाँ से खर्चा भी लगता है, यहाँ आओगे आप होटल में भी रुकोगे 2 दिन, यहाँ घूमोगे फिरोगे तो वो भी खर्चा लगता है, कम से कम 60% रिटेल के अंदर मार्जिन होना चाहिए। राइट, कम से कम ये नहीं है, हमारा है 2-5% पे लास्ट, इतना तो हम कमाएंगे खुला बोल के बोल रहे हैं। राइट, आप रिटेल के अंदर क्या है कि हम तो क्वांटिटी खपत कर रहे हैं, आप रिटेल में एक साड़ी बिकेगा आपका, मान लो इसका पूरा सेट लिया है तो एक दिन में एक साड़ी बिकेगा। राइट, आप 10-5% कमाओगे तो आपका खर्चे में जाएगा। राइट सर, सही है, लेकिन आपको मार्जिन रखना ही पड़ेगा कम से कम 60-70%। मतलब रिटेल में देखे तो मतलब एक दिन के मतलब 10-15 साड़ियां जाती है, तो मतलब वहाँ पे मार्जिन आपको कलेक्ट करना होता है, मार्जिन कलेक्ट करना होगा कम से कम 1,000 रुपए पर डे के तो आने चाहिए। सही, 1,000 रुपए आने चाहिए, तभी मतलब उसके खर्चे निकलेंगे, खर्चा निकलेगा तब अपना बिजनेस आगे बढ़ेगा। सही है, और 150 रुपए में हम काम करेंगे बाहर जाके रिटेल में आप लोग तो नहीं कमा पाओगे, वो बिजनेस वहीं ठप हो जाएगा। सही है, और दोस्तों यहाँ पे जैसे सर ने अभी आगे बताया था, यहाँ पे आपको जो वैरायटीज मिल रही है ऑलरेडी यहाँ पे 20-30 से 40 मतलब रुपए का मतलब डिफरेंस मिलेगा मार्केट के कंपेरिजन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोस्तों आपको यहाँ पे जो सारे सर होटल के सारे सर खर्चे तो यहीं पे मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे। जी जी, तो बस आपको वहाँ जाके मुनाफा ही कमाना, बस एक लगन रखनी है। तो सर आपकी सबसे बड़ी है लगन, बिजनेस ये बूढ़ा नहीं होगा, बिजनेस बूढ़ा नहीं होगा, इंसान बूढ़ा हो जाएगा। राइट सर, अरे ये बिजनेस है ये फ्लॉप नहीं होगा, इंसान की लगन रहेगी तो आगे बढ़ेंगे, मतलब दिन के दिन मतलब जवान होता रहता, जवान होता रहेगा, बस आपको इसमें ध्यान देना होता, ध्यान देना होगा, मेहनत अपनी है और बिजनेस कभी बूढ़ा नहीं होगा। राइट सर, आपकी बात डेफिनेटली सही है। जैसे आज आपने मतलब अपने खुद के पैरों पे मतलब आज यहाँ पे पहुंचे, इतना सारा नॉलेज, मैं छोटी सी नौकरी करके आज सही खुद का शॉप लेके बैठा हूँ, लेकिन मेरी लगन थी बिजनेस में आगे बढ़ना है, मेरे को एक दिन शॉप करना है। सही है, एक नॉलेज था, एक भूख था, कई लोगों को क्या नॉलेज होता लेकिन भूख नहीं होती तो कुछ नहीं होता, किसी को भूख होता लेकिन नॉलेज नहीं होता तो भी कोई काम की नहीं, लेकिन अगर दोनों एक साथ में आ जाए तो सर बिजनेस अपने आप चांद पे पहुंच जाता है, चांद पे पहुंच जाएगा। राइट सर, थोड़ी कुछ व्यापारी भी सजेशन वाले आगे मिलने चाहिए, कुछ व्यापारी क्या है यहाँ आउट फॉल्ट मिल जाएंगे तो फर्स्ट टाइम व्यापारी क्या होते हैं बाहर से, लेडीज आई है 20,000 रुपए लेके घर से स्टार्ट करना चाहती है आज, तो यहाँ व्यापारी ऐसे मिल जाएंगे कि 15-20 हज़ार में उसको ऐसा कर देंगे कि उल्टा पुल्टा पूरा, तो वो व्यापारी आगे नहीं बढ़ेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छे व्यापारी से मिलो, अच्छा काम करो, यानी कि शुरुआत में मतलब एक अच्छे व्यापारी मिलना बहुत बड़ी बात बड़ी बात है, क्योंकि वरना अगर जो स्टार्टिंग में अगर
पहला ही पगत जो मतलब पहला ही पैर होता है, पहला ही सीढ़ी पे आदमी का पैर काट दिया जाएगा तो वो तो वहीं रुक जाएगा, आगे एक सीढ़ी नहीं पकड़ पाएगा। सही बात है सर, डेफिनेटली सही बात है। और सर मुझे आपके पास जो इन्फॉर्मेशन मिली है बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे मार्केट में भी ऐसी नहीं मिलती कि आपने इतनी सारी वेराइटीज के मुझे नाम भी बताए पर्सनली, थैंक यू सर। तो और वेराइटीज तरफ चलते सर, तो सर मैं आपके पीछे देख रहा हूँ लहंगास, तो लहंगास में भी सर आप डील करते हो यहाँ पे? लहंगे में करता हूँ, 250 से स्टार्ट है मेरे पास लहंगे भी, नेट में है 250 से, नेट के अंदर हेवी है, 5-7 हज़ार रुपए तक का आइटम मेरे पास लहंगे में भी है, वेलवेट है, अभी ब्राइडल शादियों सीजन चल रही है तो अच्छे अच्छे लहंगे भी है। राइट सर, तो सर इसके बारे में कुछ बता दीजिए मुझे। ये हैंडवर्क साड़ी आएगी विचित्रा पे, वो दोस्तों बहुत ही लाइट वेट है लेकिन काम बहुत ही शानदार है, यहाँ पे आप देखो मैं आपको बारीकाई से दिखा रहा हूँ, मल्टी का काम आएगा। राइट सर, और कलर भी बहुत ही खूबसूरत है, कलर चार्ट 6 कलर आएंगे लाइट कलर चार्ट आएगा। तो सर मिनिमम 6 कलर परचेज करने पड़ेंगे यहाँ पे, मिनिमम कम से कम मतलब सर होलसेल का ही पूरा रिटेल में किसी को सिंगल पीस ऐसा कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, सिंगल पीस वाले प्लीज, सिंगल पीस वाले कोई फोन ना करें ना व्हाट्सएप पे आए। सही है सर, मतलब पूरा पूरा जिसको बिजनेस करना है, जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है या बिजनेस है उसका, सही है, अगर बिजनेस की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो भी सर से तो जरूर देंगे, चाहे माल लो मत लो ना, एक बार इन्फॉर्मेशन लेनी है क्या करना है क्या नहीं करना है तो वो भी जरूर देंगे हम। चाहे माल आप मेरे से मत लो, बोलेंगे कहीं से लो सूरत में, लेकिन एक बार मिलो आओ, ये जरूरी नहीं है मेरे से माल लो आप, एक बार मिलो, मिलने का कोई ऐसा नहीं है कि आप मेरे से माल लेना ही पड़ेगा। राइट सर, मिलो इन्फॉर्मेशन देंगे क्या चीज है, कैसे बिजनेस किया जाएगा, कैसे बिजनेस के भी काफी ऐसे गुर है सीखने के लिए, वो अपने पास नहीं होंगे, चाहे आप 5 लाख रुपए लगा के बैठ जाओ, राइट सर, सक्सेस नहीं होगी। सही है, बिजनेस में भी ऐसे काफी है ऐसे जो सीखने के लिए आपको गुरु से ज्ञान लेना ही पड़ेगा। राइट, और सर आपने बहुत अच्छी बात कही क्योंकि मुझे भी टेक्सटाइल बिजनेस के बारे में ये मालूम है कि ये बिजनेस घूमने से मतलब मालूम पड़ता है, अगर आप अलग अलग जगह घूमते हो तो आपको ये बिजनेस के बारे में नॉलेज मिलता है। जैसे आप अहमदाबाद में हो तो अहमदाबाद में रह के घर बैठे आप बिजनेस करना चाहते हो ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन आपको सूरत आना ही पड़ेगा, सूरत आना ही पड़ेगा, कई लोगों से मिलना होगा, ऐसा नहीं एक ही सर से मिल ले, कई लोगों से मिलेंगे तब आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, नॉलेज मिलेगा ऐसा नहीं अपने पास 50 लाख रुपए पड़े बिजनेस लगा दिया, पैसा दुकान भर के बैठ गए, ऐसी लगा लिया, अच्छी कुर्सी डाल दी तो उससे भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं सर, ऐसे मार्केट कला होनी चाहिए अपने पास, क्या आइटम कैसी रेंज में बेचना है, क्या आइटम चल रहा है अभी मार्केट के अंदर, वो चीज भी मेन अपने पास एबिलिटी होनी चाहिए। सर मैंने भी ऐसे कई लोग देखे जिसने मतलब लाखों रुपए डाल दिए, 10-15 लाख करके बिजनेस शुरू किया, उसका नहीं चला, किसी ने 20 हज़ार से शुरू किया उसका, आज वो आज बहुत ऊपर है। हाँ, तो मतलब इसका रीजन ही है बस भूख और लगन। राइट सर, लगन सही है सर। उससे बहुत ही शानदार वेराइटीज आ गई यहाँ पे, आपको इसका बॉर्डर कॉन्सेप्ट देखिए, बॉर्डर कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार आने वाला है यहाँ पे, कट वर्क का बॉर्डर आएगा, फैंसी, अंदर बूटी आएगी, कपड़ा टोटल हेवी आएगा, विचित्रा वगैरह अभी जो फैंसी चल रहा है, शादियों सीजन है। तो सर इन सभी की इमेजेस मेरे व्यूअर्स तक पहुंच जाएगी सर यहाँ पे? जरूर जरूर। दूसरे आप देख सकते एक से एक बढ़िया वेराइटी सर दिखा रहे, ये भी मतलब थोड़ा वेडिंग टाइप का कलेक्शन ही आने वाला है क्योंकि अभी शादियों की सीजन बहुत ही चलने वाली सर अभी। राइट सर, दोस्तों यहाँ पे आप देखिए सर इसके बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए मुझे। ये हैंडवर्क आएगा, विचित्र कपड़ा है, बूटी आएगी, मल्टी का वर्क है, मल्टी की लेस है पूरी। मल्टी की लेस आने वाली है जी। राइट सर, दोस्तों आपको मैं आपको बॉर्डर दिखा रहा हूँ, बारीकाई से दिखाता हूँ जिससे आपको नॉलेज आए किस तरह की आपको यहाँ पे वेराइटीज मिलेगी। राइट सर, और सर यहाँ पे डिजाइन मतलब कितने दिनों में अपडेट होती रहेगी सर यहाँ पे? डिजाइन हर 7 डे 7 दिनों में, मतलब हर 7 डे 3 डे 7 डे 3 डे 7 डे, यानी कि अगर कोई आपसे ग्रुप में जुड़ जाता तो डेली मतलब कुछ ना कुछ डेली अपडेट मिलेगा। मेरा ग्रुप ये है तो उसमें आपको हाई लिख के भेजना है मेरे को खाली, ओनली राइट बिजनेस करना है मेरे ग्रुप में ऐड कर दूंगा तो डेली अपडेट जो जा रही है मेरे टोटल व्यूअर्स को, कस्टमर को, राइट वो आपको भी मिलेगी। ठीक है सर, जो आपको सिलेक्ट है वो साइड में भी आके ले सकते हो या वहीं आप सिलेक्ट करके मेरे को बोल सकते हो। अगर सर कोई लाइव वीडियो यानी कि व्हाट्सएप कॉल के मदद से अगर कुछ परचेस करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रॉड कोई भी लाइव वीडियो नहीं करे। राइट प्लीज, सही है, मतलब जिसको परचेज करना है बिजनेस परचेज करना है वही लाइव वीडियो करके, यहाँ पे मतलब इतने सारे कस्टमर होते हैं। आज मैं भी संडे के दिन आया हूँ सर आपसे मिलने के लिए, आज वीडियो बना रहे क्योंकि इतने सारे मतलब कस्टमर होते हैं, आपको भी टाइम नहीं मिलता। सही बात है सर जी। मतलब सिंपल सोबर कलेक्शन आने वाला है लेकिन काम इसका दोस्तों देखिए थोड़ा मतलब बारीक ऐसे काम किया गया है, बारीक है, फैंसी है, ब्यूटी आइटम है सर। मेरे ख्याल से यूपी बिहार का कलेक्शन है जी, महाराष्ट्र भी चलता है, यूपी बिहार भी चलता है। राइट सर,
राजस्थान में भी लोग इसको पकड़ते हैं। मतलब अभी तो कुछ ऐसा रहा नहीं, मतलब ऑल ओवर कॉमन कॉमन हो गया, अभी तो सब जगह कॉमन हो गया है। सही, ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि सब जगह के सेम पहनने लग गए हैं अभी, कोई यूपी बिहार महाराष्ट्र ऐसा कोई राजस्थान कुछ रहा नहीं है। राइट सर, सर ये मटेरियल कुछ अलग लग रहा है सर, ये क्या अलग है? चाइनीज है, मतलब अभी नया मार्केट में अभी बहुत चल रहा है, नया है। राइट सर, बहुत चल रहा है। सही है, ठीक है। दोस्तों ये देखिए, और ये भी एक बहुत एक खूबसूरत वेराइटी सर दिखा रहे हैं। सर इसकी प्राइस रेंज क्या रहेगी सर? 350। दोस्तों आराम से मेरे ख्याल से 450 तक आराम से बेच दीजिए, आराम क्योंकि से, क्योंकि अगर आपको कम मार्जिन लेंगे 500 तक नहीं, कम से कम 150 रुपए मार्जिन मिलना ही चाहिए। राइट सर, सही बात है, अगर कम मार्जिन लेंगे तो बिजनेस अपने आप बढ़ने लगेगा आराम से सर। सही है, ठीक है सर, नेक्स्ट तरफ चलते हैं, थोड़ी और वेराइटीज देखते हैं। अभी शादियों की सीजन है, उसके हिसाब से ये ब्राइडल आइटम आएगा सर, इनकी रेंज भी थोड़ी हेवी आएगी, अच्छी चीजें आएगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ब्राइडल वेरायटी, तो दोस्तों इसकी बॉर्डर बहुत ही हेवी बॉर्डर आने वाली है, यहाँ पे आप देखिए येलो कलर बहुत ही शानदार कलर, यहाँ पे आप देख सब में कलर आएंगे, पांच पांच छह छह शादियों की सीजन में आप इसे आराम से पहन सकते, कहीं पे जैसे घूमने गए मतलब, या फिर आप इजी वेयर इसे कर सकते, इसका मतलब इतना वेट नहीं, लेकिन इस साड़ी का आपको वेट आने वाला था, यहाँ पे आप देख रहे इसकी बॉर्डर वेट आने वाला था। राइट सर, ये सब ब्राइडल आएगा। और दोस्तों आपको अगर वेडिंग की बहुत सारी वेराइटीज़ देखना चाहते हो तो यहाँ पे सर को एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, जिससे आपको सारी की सारी वेराइटीज़ यहाँ से आपको भेज देंगे व्हाट्सएप में। और उसकी बॉर्डर देखिए, बॉर्डर कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार आने वाला है। राइट सर, और सर इसका भी 630 कट आएगा सर यहाँ पे? जी 630 कट, कट पूरा मेरा 630 आएगा। और सर अभी थोड़ी लहंगा की वेराइटीज़ भी मुझे दिखा दीजिए। जरूर दिखाऊंगा, लहंगा में है। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब लहंगाज में भी सर डील करते हैं, और सर लहंगाज के आपने क्या प्राइस बताई स्टार्टिंग और एंड? 250 सर, एंड प्राइस का कहाँ तक जाएगी सर यहाँ पे? 6,500-7,000 रुपये तक। दोस्तों यहाँ पे जो 6,500-7,000 के जो होते हैं आराम से 12,000-13,000 में बेच सकते, वैसे मतलब वेराइटीज होती है। और सर ये मतलब मिनिमम 250 वाला सर ये है? जी नहीं, 250 में हल्का आएगा नेट वाला। तो सर इसकी क्या प्राइस रहेगी सर ये? 650। ये 650 का आने वाला। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको जो एक काम मिल रहा है यहाँ पे ऊपर देख रहे, मतलब जरी के धागे का काम, जरी और मल्टी का धागा भी है अंदर, इसमें आपको अलग अलग कलर ब्लाउज आएगा और ये दुपट्टा आएगा इसमें। और सर आप जो सोल दिखा रहे हो उसका मतलब लेंथ कितनी होगी सर यहाँ पे? किसकी? इस सोल की, दुपट्टे की? सवा दो ढाई जो आता है कॉमन। राइट सर, ठीक है, हेवी में ढाई आता है आजकल, क्योंकि डबल दुपट्टा मांग रहे हैं दुल्हन, जो ब्राइडल लहंगा आता है उसमें आजकल डबल दुपट्टा चल रहा है, क्रेज है, उसमें आजकल दुपट्टे में थोड़ा। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत वेराइटी सर भी दिखा रहे हैं, आप देख रही है लहंगा, देखिए आपको मतलब दिल छू जाएगा, इस तरह का लहंगा आने वाला है। आप देख सकते वेराइटीज देखिए, इसको मैं बारीक है सबको दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। अब देख सर इसमें कलर मिल जाएंगे, जैसे मरून कलर चाहिए ऐसा कुछ? कलर आएगा, चार चार कलर आएंगे सब में, मैरून है, पर्पल है, बॉटल ग्रीन है। और दोस्तों मैं अगर मार्केट में, मैं कई बार जैसे दिल्ली भी गया हूँ, अलग अलग सिटीज में गया, तो यही लहंगा सर मुझे मार्केट में मैं देखता हूँ 8,000-9,000 के सर मिलते हैं वहाँ पे। ये लहंगा इधर सस्ता मिलेगा लहंगे में। सही है, दिल्ली आप बाहर ये रिटेल में आप खरीदो ना, आप मेरे से आज 2,000 में लहंगा ले रहे हो मान लो, राइट, वो बाहर आपको 4,500-5,000 में मिलेगा। राइट सर, सही है, डेफिनेटली बात सही है। लहंगे में किसी को पता नहीं चलता है कि क्या रेंज है क्या नहीं है, बस उसमें तो क्या उसकी डिजाइन ही, खाली डिजाइन पे कस्टमर को खुद को नॉलेज नहीं है, उसको लो रेंज बता देंगे रिटेल कस्टमर, रिटेल वाले जो मेरे कस्टमर है काफी बोल रहे हैं कि ये लहंगा में जैसे आपसे 2,000 में लिया, मैं कस्टमर को 3,000 बताऊंगा 1,000 रुपये बढ़ा के, तो कस्टमर बोलता और हेवी दिखा यार, इसको मैं घूम फिरा के बता दूंगा दूसरी डिजाइन दिखा के यही रेंज की 4,000 रुपये, तो कस्टमर तुरंत पकड़ लेता है। सही है सर, मतलब ये डिजाइन के हिसाब से मतलब चलने वाली मतलब प्रोडक्ट है जी, और मतलब ये सीजन में चलती है सर। सही सीजन है, मतलब शादियों की सीजन, शादियों सीजन अभी दोस्तों बहुत ही चलेगा, और ये तो बहुत ही हेवी लग रहा है सर, ये मतलब कैनवास केन दोनों फिटिंग आएगा। राइट सर, पूरा कम्प्लीट आएगा। और दोस्तों ब्राइडल लहंगा सर इसकी क्या प्राइस रहेगी सर? इसका 3,500 रुपये। अरे बहुत, 3,500 रुपये। अरे दोस्तों आप देख सकते 3,500 रुपये हमको ये मिल रहा है, तो जल्दी से बिजनेस स्टार्ट कर, इसको मैं बारीक दिखाता हूँ, आप काम देखिए इसका, दुपट्टा भी हेवी आएगा। राइट सर, और यहाँ पे ब्लाउज भी देख सकते, आगे भी काम आएगा, पीछे भी आपको काम आने वाला है। सही है सर, दुपट्टे में भी बूटी आएगी, पूरा लेस फुल दुपट्टा आएगा। तो सर ये तो आराम से मेरे ख्याल से 8,000-9,000 में बिकने वाली प्रोडक्ट है। 10,000 में सूरत में बिक रहा है, भागल के अंदर चले जाओ आज आप। सही है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा लेकिन आपको मैं एड्रेस दे दूंगा, वहाँ चले जाओ आज, 10,000 में वहाँ बिक रहा है। राइट सर, काफी मेरे ब्यूटी पार्लर वाले कस्टमर है, जो लेडीज हैं आजकल जो दुल्हन खुद तैयार करती है, वो लहंगा अपने हिसाब से अपने पास से ही देती है। राइट सर, पहले बाहर से खरीदते थे, आजकल सब कुछ ब्यूटी पार्लर में ही मिल रहा है। सही है, तो ये भी देखिए थोड़ा मतलब लाइट वेट आने वाला, लेकिन इतना भी नहीं, मतलब आराम से 3-4 केजी का सर होगा ये। जी जी, 3-4 केजी का।
कैनवास दोनों फिटिंग आएगा अंदर, राइट सर, यानी क्वालिटी में कोई भी लहंगे में बहुत वेरायटी है, अब सब मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, राइट सर, यूज देखने वाले भी वो बोर हो जाएंगे क्या क्या दिखा रहा है क्या नहीं है, इतना बड़ा वीडियो कोई देखेगा नहीं। सर लास्ट में अभी कुछ मेरे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे, जैसे वो क्या गलती कर रहे हैं क्या अच्छा कर रहे हैं, मतलब कुछ अपने हिसाब से दो शब्द कह सकते हैं सर व्यूअर्स को? मैं यही कहूँगा कि सूरत एक बार यहाँ आओ, बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक बार आओ, गाइडेशन लो, ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे से ही माल लो आप, लेकिन गाइडेशन जरूर लो। सही है, गाइडेशन बहुत बड़ी चीज है, बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस कभी बूढ़ा मतलब नहीं होगा। कहते हैं ना सरस्वती जिसके पास हो मतलब लक्ष्मी को पा सकता है, लेकिन लक्ष्मी हो तो सरस्वती नहीं आ सकती, नहीं है। मतलब आपको सरस्वती पहले मतलब लेनी है, आप सर से बात कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, नॉलेज के बाद आपको कैसे उसमें आगे बढ़ना, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।